This year, the heavy rains have also caused widespread havoc and devastation across the country. The worst affected is the state of Uttarakhand, where 26 people have died due to landslide. An early monsoon left behind the state in deluge. Houses collapsed like a pack of cards, vehicles were washed away, all communication links broken. 24,000 people. कल जो मैंने समझाया सबको याद है ना? खाना खाने से पहले क्या करना है? क्या करना है? हाँ, शौच जाने के लिए किसका प्रयोग करना है? शौचालय का। ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने हैं? पेड़ और पौधे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ और पौधे लगाने हैं। अपने आसपास क्या रखना है? सफाई। सफाई रखनी है, कूड़ा नहीं फैलाना है। कैसे हो सर? ठीक हो? कैसी हो संध्या? ठीक है? बैठो। अरे संध्या, अपनी बहन को भी लाई हो आज? ओहो, आज तो दो चोटी करके आई है, बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, अब तुम सब लोग आपस में सबका होमवर्क चेक करेंगे, देखते हैं कौन ज्यादा किसकी गलतियाँ निकालता है, ठीक है? हाँ, चलिए सब लोग आपस में अपना होमवर्क चेक कीजिए।
हेलो। हाँ जी मैडम, कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ जी सर, ये हो क्या रहा है? क्या मैडम? आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता क्या? मेरे से पूछ रहे हैं क्या मैडम? मैडम मैं समझा नहीं। आपने पेपर नहीं पढ़ा आज का? मैडम आप इन सब लफड़ों में क्यों पढ़ रही हैं? आपको नहीं पता इन सब के पीछे किन लोगों का हाथ है? सर मैं ऐसा ये कुछ होने नहीं दूंगी। आज पेपर में आया है, ये मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैडम बहुत खतरनाक है ये लोग, आप इन सब लफड़ों में मत पड़िए। सोशल वर्क कर रही है, करते रहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इन मैटर से दूर रहिए तो अच्छा रहेगा। सर मुझे पता भी नहीं करना, मुझे जानना भी नहीं है। ओ मैडम, जिन गांव वालों के लिए उछल रही हो ना, वो कंधा भी नहीं देने आएंगे। खुद भी चैन से जियो और हमें भी चैन से जीने दो। चुप रहने के लिए कुछ चाहिए तो बताओ। कौन है? आ जाइए प्लीज। अरे नंदिता जी, आप? नमस्कार। नमस्कार, आइए। माफ कीजिएगा वकील साहब, खबर ही कुछ ऐसी थी कि मैं आपके चैम्बर में आने का इंतजार ही नहीं कर सकती थी। आई होप यू डोंट माइंड। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर कोई सोशल मीटिंग है तो मोस्ट वेलकम। अगर कुछ काम ही है तो जहाँ काम हो जाए वहीं ऑफिस है। आइए बैठिए। धन्यवाद। आप चाय लेंगे या ठंडा? नहीं नहीं, बस बस ठीक है सब। बताइए कैसे आना हुआ? ये आज की खबर तो आपने पढ़ी होगी, ये देखिए। जी नंदिता जी, वी ऑल आर कंसर्न अबाउट इट। वकील साहब, मैं ऐसे नहीं होने देना चाहती। चाहे जो भी हो, इस पे हमें एक्शन लेना ही होगा। नंदिता जी, अगर आप चाहती हैं तो हम आपके साथ हैं, पर ध्यान रखिए ये डगर थोड़ी कठिन है। पर इस लड़ाई के लिए अगर आप तैयार हैं तो हम आपका पूरा साथ देंगे। धन्यवाद वकील साहब, थैंक यू सो मच। मुझे पूरा विश्वास था कि आपका जवाब हमारे लिए पॉजिटिव ही होगा। जी नंदिता जी, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आइए। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन हमने तुमसे एक चीज सीखी, हिम्मत ना हारना। तुम्हें एक शेर बहुत पसंद था ना, कि आलू में यास में घबराए ना इंसान बहुत, दिल सलामत हो तो हसरतें बहुत अरमान बहुत। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और भावना, हर साल इनके जन्मदिन पर जो हम किया करते हैं इस साल भी हम वही करेंगे, ठीक है? ओके। बात आ गई समझ में? हाँ जी। अब मैं जा रहा हूँ पार्क में, तुम जल्दी से सारी तैयारियां करके वहां पहुंच जाओ, ठीक है? चलो 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 चलो। मेरे को तो कितना बड़ा मिल गया, मुझे तो कितना बड़ा मिल गया। शांत हो जाओ। सर वी आर वेटिंग फॉर यू। हाँ, पूरी पलटन आ गई, वेरी गुड। एक पौधा मुझे भी दे दो ना। हाँ ये वाला मुझे। अच्छा तो कमाल हो गया, यहाँ क्यारी में लगा देते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से लगाओ आराम से, वेरी गुड। तो मेरा ये इसमें लगा दो, ये नीचे लगा दो नीचे, बहुत अच्छे। हाँ प्यार से पौधे बहुत नाजुक होते हैं। ये जगह तुम्हारी, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ। आओ, आओ, आओ। पिछले साल हम प्लांटिंग करने दूसरी कॉलोनी गए थे ना? पेड़ पौधों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं है? सर हम पेड़ पौधों के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं ना, इन्हीं की वजह से हम सांस लेते हैं ना। आ जाओ सुन लो, बहुत अच्छी बात पूछ रही है। आ जाओ पूछ लो पूछ लो। हम पेड़ों के बिना जी नहीं पाते हैं ना। सही कह रहे,
इन्हीं की वजह से हम सांस ले पाते, लेकिन सिर्फ सांस नहीं, यहाँ रुके मेरी बात सुन लो। देखो पेड़ है तो हम है। अब बरसात के मौसम में ना जब बादल गरजते हैं तो पेड़ों की वजह से वो बादल रुक जाते हैं और पानी बरसाते हैं। पानी बरसता है तो खेती बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, खेती बहुत अच्छी तरह से हो जाती है तो अनाज भी उग जाता है और उस अनाज को हम खा लेते हैं और जिंदा रहते हैं। और उसी बारिश के मौसम में ना जब बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो जमीन के ऊपर पानी पानी हो जाता है, तो उस जमीन को बह जाने से कौन सी चीज रोकती है? यही पेड़। तुम्हें मालूम है तुम्हारी कॉपी के अंदर जो कागज है वो कागज कहां से आता है? इन्हीं पेड़ों से। और इन पेड़ों के साये में बैठकर हम कितना आनंद प्राप्त करते हैं। अब मैं पेड़ों की बात करता रहूं के या कुछ काम भी करूं? तुम जाओ वापस जाओ। अच्छा अच्छा, चॉकलेट लाई हो तुम? हाँ जी। सारे चॉकलेट रास्ते में तो नहीं खा गई? नहीं, सारी लाई हूँ। पक्का? हाँ जी। तो यूं करो, चॉकलेट बच्चों में बांट दो। ठीक है। बाय। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। ओके बाय। अभी ये क्या, इसका क्या करें? काम करो यार, थोड़ी मिट्टी और डालो। मेरा बड़ा है यार, मेरा तो लगना। भला होगा, हाँ भला कर तेरा, भला होगा रखियो कदम संभल के तू जानता नहीं, मानंदे नक्शे पा के तू जानता नहीं। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो के बहुत अच्छे हो? क्या कहने। और तुम भी ठीक हो? जी सर बिल्कुल ठीक हो के बहुत ठीक हो? बहुत ठीक हूँ। हम भी बहुत अच्छे हैं। तुम सब बच्चे लोग बहुत अच्छे से नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चों। सर जब भी आप आते हैं ना तभी ये सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे बच्चों की समझ में पढ़ाई का महत्व तो आ ही जाएगा। बच्चों तुम लोग रिवीजन करो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, इनमें से कितने बच्चों को हम सरकारी स्कूल में दाखिल करवा सकते हैं? सर 15 बच्चे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना आ गया है। सर मैं पूरी तरह से लगी हुई हूँ। सर आज नंदिता मैडम का जन्मदिन है, टुडे इज योर वाइफ बर्थडे सर। यू रिमेम्बर? यस सर। दरअसल इस उम्र में काम करने की प्रेरणा तो उन्हीं से मिलती है। जी सर। ये जो तुमने कॉपी और पुस्तकें मंगवाई थी ये मैं लाया हूँ बच्चों के लिए, सबको दे देना, ठीक है? बच्चों मास्टर जी ने तुम्हारे लिए कॉपी किताब और बिस्किट भिजवाई हैं। राम राम मास्टर जी। ओ हीरा, राम 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 राम, कैसे हो तुम? बस मास्टर जी आपकी दुआ है। हीरा मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो हाल है सो तुम्हारी साइकिल का भी हाल। अब कहाँ बताए मास्टर जी। अच्छा हीरा, तुम्हारा जो लड़का है ना वो पढ़ने बहुत तेज है, जरा उसका खास ध्यान रखना। मास्टर जी मैं उसे शहर के किसी अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। ख्याल तो नेक है लेकिन फीस और आने जाने का खर्चा वगैरह? दिक्कत तो होगी मास्टर जी, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा, दिन रात खेतों में काम करके उसकी पढ़ाई में लगा दूंगा सब। मैं नहीं चाहता कि वो भी मेरी तरह खेतों में काम करे, बस आप किसी तरह एडमिशन करवा दो। ठीक है ठीक है, मैं एडमिशन की बात जरूर करूंगा लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा है। मास्टर जी जब से स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं एक बार भी उसने किताबों को हाथ नहीं लगाया है। अच्छा? बस दिन भर क्रिकेट खेलता रहता है। क्रिकेट का शौक है? अब ये बताइए कि वो बैट्समैन है ये बोला? अब हम कहाँ जाने मास्टर जी, इसकी जानकारी प्राप्त कर लो उसके पिताजी जो हो तुम। अच्छा अच्छा चलो, अच्छा मास्टर राम राम, ध्यान रखना अपना। कैसी है पहेली, हाय दीदी दीदी
जी 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 जिंदगी कैसी है पहेली है। वाह क्या शॉट लगाया, जल्दी आ जाओ सारे बच्चे इधर आ जाओ। हाँ तुम भी आ जाओ, तुमसे खास बातें करनी है। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुमने इतना जबरदस्त शॉट लगाया, बॉल तुमको दिख रही थी? यस सर। दिख रही थी ना? यस सर। सूरज दिख रहा है? यस सर। मेरी ये साइकिल दिख रही है? यस सर। और इस किताब के जो अक्षर हैं, वो दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो फिर दिन के उजाले में यही अक्षर पढ़ने के लिए तुमने वो लैंप क्यों जलाई? सॉरी सर। सोचने के बाद है कि नहीं कि दिन के उजाले में जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है, जिनसे बिजली बर्बाद हो जाती है, उनके इंद्र से उनका इस्तेमाल मत किया करो। जब कूलर की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, तो मत चलाया करो, ठीक है? ठीक है सर। आपकी तबीयत कैसी चल रही है प्रिंसिपल साहब? इस उम्र में तबीयत की क्या बात है, जवानी भी गई सीमा फसल गुल फशानी भी। मैं अब तादर महफिल में गजल ख्वां हो नहीं सकता। क्या बात क्या बात। मास्टर जी इस बार काफी समय बाद आना हुआ और आप इस बार हमारे एनुअल फंक्शन में भी नहीं आए। मैं माफी चाहता हूँ, दरअसल मैं गाँव के बच्चों के साथ व्यस्त था। अच्छा वो गाँव के बच्चे? हाँ वही गाँव के बच्चे, और दरअसल उनमें से एक जो बच्चा है, मैं आपसे उसी की बात करने आया हूँ। उन्हीं में से? आपको तो अच्छी तरह पता है मास्टर जी कि वो गांव का बच्चा हमारे स्कूल के बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाया तो डिमोरलाइज हो जाएगा, ऊपर से स्कूल की फीस और यूनिफॉर्म का खर्च। देखिए उस सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और जहाँ तक बच्चे का सवाल है प्रिंसिपल साहब, वो बहुत होनहार बच्चा है, बहुत दमदार बच्चा है, वो डिमोरलाइज होने वाला नहीं है। मास्टर जी आप आए हैं तो मैं मना तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात आपको साफ बताना चाहूंगा कि ये स्कूल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये मैं सब समझ रहा हूं, धन्यवाद प्रिंसिपल साहब मेरा मान रखने का। अब आज्ञा दीजिए, अगले साल एनुअल फंक्शन में जरूर आऊंगा मैं। अच्छा राम राम। ए चेतू तैयार हो गए का? आवा था माँ। जल्दी आवा, बैठो। उस स्कूल में बढ़िया से रहना, सब बड़े घर के लाइकन आते हैं वहां पे, ठीक है? सबसे अच्छे से बात करना। दिखाओ जाओ। खुश रहा। तैयार हो गए? चलो चलो जल्दी चलो। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मैम। हाउ आर यू ऑल? Very nice. So, do you all remember what we have learnt yesterday? Yeah! Okay, so today also we will revise the same thing. So, who will tell me the third Newton's law? Wow, so many. Okay, Chaitanya, you are new. Please tell me Newton's third law. Pratyek kriya ke barabar viparit pratikriya hoti hai. Silence! Silence! Chaitanya, you have to speak in English. Ma'am. And you have to work very hard. Ma'am, I will study hardly. Silence! Silence! Chaitanya,
आई विल स्टडी हार्डली नहीं होता, आई विल स्टडी हार्ड होता है. ओके डियर, एंड नेक्स्ट टाइम से इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे आके पूछिएगा, शर्माइएगा मत. थैंक यू मैम. चैतन्य, इट्स नॉट थैंक यू, इट्स थैंक यू. ओके डियर. ओके मैम. आ गए बिटुआ, चलो तने कुछ खा पी लो और मास्टर जी को दूध दे आना, ठीक है? हाँ भावना, कौन है? पापा जी, तन्ने आया है. आ जाओ मेरे हीरो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ तुम. अरे वाह, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारा ये नया स्कूल कैसा लगा? ठीक ठीक. अब मुझे सच सच बताओ कि आज क्लास तुम्हें कैसा लगा? वहां सब लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, मेरा मजाक उड़ा दिया सबने. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा. तुम्हें मालूम है कि मैं जब तुम्हारी तरह बच्चा था तो क्लास में मेरा भी मजाक उड़ाया जाता था कि ये गोरा क्या हिंदी में बात करेगा. लेकिन फिर मैंने हिंदी में बात करके दिखाया, और एक दिन तुम भी अंग्रेजी में बात करके दिखाओ, ठीक है? और कोई बात क्या है? होमवर्क में तकलीफ, लेकिन गणित में मुझे बिल्कुल नहीं आती है. सुनो भावना. जी पापा. हमारा ये हीरो जब भी घर आए ना तो होमवर्क में तुम इनके मदद करो. हाँ, और सुनो, तुम्हें अंग्रेजी आती है कि नहीं? हाँ कुछ कुछ. कुछ कुछ तो जब भी तुम हीरो से बात करोगे तो कुछ कुछ अंग्रेजी में बात करो, ठीक है? ठीक है. जाओ मैडम के पास, जाओ 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 जाओ, और घबराओ मत. हाँ. अच्छी कैचेस आ रही थी, तुम्हारा बस की नहीं है कैच करना? अच्छे से तो बॉलिंग कर लिया करो. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वैसे तू बड़ा धोनी बनता प्रैक्टिस मैच में. अच्छा, इसने मुझे रन आउट करवाया? हाँ, चल तू मत. हाँ, तेरी ही तो गलती है, मैं बोल रहा था मुझे पहले भेज देते. अरे छोड़ो, तुम्हारे कुछ बस की नहीं है. हम हर बार हार जाते हैं, हमारी टीम में कोई अच्छा बॉलर नहीं है, इसीलिए तो हम हारते हैं. एक आइडिया है मेरे पास. क्या? वो दूध वाला लड़का, वो हमारे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाएगा? वो हमारी कॉलोनी में रोज आता है, बात करके देख सकते हैं. अरे वो तो मेरा क्लासमेट भी है. फिर तो तू उससे बात भी कर सकता है. या दिस इज अ ग्रेट आइडिया. कबीर. ओ कबीर, ये गाड़ी तुम्हारे पापा की है ना? यस सर. तो ये नीचे से पानी क्यों बह रहा है? अब बस अभी अभी गाड़ी की धुलाई हो रही है. तो बंद करके जाना चाहिए था ना, जाओ जल्दी बंद करो. सॉरी सर. आइंदा ख्याल रखना, ठीक है? यस सर. जाओ जाओ खेलो खेलो खेलो. बंदी क्या था मैंने? Mm-hmm.
चैतन्य सिट प्रॉपरली. चैतन्य व्हाट हैपेंड? व्हाट इज दिस? कपड़े पे मिट्टी कैसे लगी है? इतने गंदे कपड़े पहनकर स्कूल आओगे? रिप्लाई मी. मैम आई एम द रीजन. हाउ? आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, सडनली अ कार केम एंड इट वॉज चैतन्य हु पुश्ड मी आउट ऑफ द वे. ओह गुड चैतन्य, ग्रेट जॉब. बच्चों क्लैप करो चैतन्य के लिए. गुड जॉब. ओके लेट्स स्टार्ट द लेसन. कबीर, तुमने क्लास में क्लास टीचर से क्या बोला? अरे मैंने तो बस ये बोला कि मैं गली में से जा रहा था और एक गाड़ी आई और वो तू था जिसने मुझे बचाया. पर तुमने क्लास टीचर से झूठ क्यों बोला? अरे ये तो मैंने दोस्ती के खातिर किया, तो आज से हम दोस्त. ठीक है दोस्त, मगर हम दोस्त बिना झूठ बोले भी हो सकते थे, क्योंकि झूठ बोलना सही नहीं है. अच्छा उसके आने का तो वक्त हो चुका है, पता नहीं क्यों नहीं आया अब तक. अरे वो आ गया. हाय चैतन्य. क्या हुआ? हाय चैतन्य, तू रोज हमारी कॉलोनी में आता है, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. ये सारे मेरे दोस्त हैं, ये तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं. हम सब चाहते हैं कि तुम हमारे साथ खेलो. तुम लोगों को मुझसे कुछ चाहिए तो मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए. क्या? तुम लोग अगर मुझे अपनी तरह इंग्लिश बोलना सिखाते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा. ओके आई विल टीच यू इंग्लिश. ठीक है फिर, डन.
एल्स। बैटिंग, बॉलिंग, बॉलिंग। राम राम मास्टर जी। इरा, आज सुबह सुबह मास्टर जी कुछ लोग जंगल में आए थे और हमारी झोपड़ियां, जंगल को और पेड़ पौधों को बड़े गौर से देख रहे थे। अच्छा, मुझे पता करना ही पड़ेगा कि माजरा क्या है। अच्छा ये बताओ हीरा कि तुम्हारा बेटा कैसा है? मास्टर जी आजकल तो घर पर दिखता ही नहीं है, रात होने पर ही आता है। दिन भर कहाँ रहता है वो? कहता है आपके कॉलोनी के बच्चों के साथ दोस्ती है, उन्हीं के साथ पढ़ के आता है रात को। ऐसी बात है क्या? अच्छा शत्रुघ्न भाई राम राम, हीरा राम राम, राम राम मास्टर जी राम राम। चैतन्या आ जाओ मेरे पास जल्दी से। क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ। चैतन्या तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, घर में आ जाओ ठीक है? और हाँ, बॉलिंग करते वक्त ना इस हाथ को सीधा रखा करो ठीक है? सीधा जल्दी से आ जाओ तुम। तुम खड़े क्यों हो? मुझसे डर लग रहा है क्या? आओ मेरे पास आओ, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो चैतन्या, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे बेचारे पिताजी दिन रात एक करके खेतों में काम करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करो। तुम्हें घर के कामों से भी आजादी दी गई ताकि तुम अच्छी तरह से पढ़ो, लेकिन तुम हो कि दिन भर इन बदमाशों के साथ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो, मस्तियों में वक्त बर्बाद करते हो। चैतन्य ये जो बच्चे हैं ना, ये रात को जाके अपने घर में पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि उनके घर में बिजली है। क्या तुम्हारे घर में बिजली है? नहीं ना, इसलिए शाम को जब तुम थके हारे आ जाते हो तो तुम खाना खा के सो जाते हो, पढ़ाई तुम्हारी होती नहीं है। चैतन्य क्या तुम्हें अपने पिताजी की तकलीफों का, मेहनत का, उसके दिल के दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं है? सर, सर व्हाट डू यू थिंक? हियर आई एम वेस्टिंग माय टाइम टू क्रिकेट ओनली। नो नो सर, आई एम प्लेइंग हियर टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड दे आर हेल्पिंग मी अ लॉट सर, हेल्पिंग मी अ लॉट। आई ओनली टोल्ड यू टू लर्न इंग्लिश। That is what you've gone and done. Amazing. Now go. Go and learn some more English. Yes, sir. Go, 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 go. प्रणाम मंत्री जी। अरे प्रणाम, बैठो। कहाँ थे भाई? मैं दो मीटिंग छोड़ के बैठा हूँ तुम्हारे लिए यहाँ, वैसे फोन करके परेशान कर देते हो। अरे मंत्री जी, आप तो ऐसे बिदके हुए हैं जैसे मिठाई हम अकेले ही खाएंगे। और तुम भी जो है वो जंगल जैसी जमीन पे सांप की तरह कुंडली मार कर बैठे हो। देखिए मंत्री जी, सांप भी वही कुंडली मार कर बैठता है जहां पर नागमणि हो। मतलब? मतलब ये किसी दिन चलिएगा, हम आपको दिखाएंगे आपका एरिया का उस नागमणि को, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों हम उस प्रोजेक्ट के लिए आपको बार बार जोर दे रहे हैं। बस आपकी मंजूरी मिलनी चाहिए हमें। अरे तो ये तो रहे भैया, चिंता किस बात की है? देखिए मंत्री जी, चिंता तो है, आप नहीं जानते उस जमीन के ऊपर कई कॉन्ट्रैक्टरों का गिद्ध जैसा नजर लगा हुआ है। पता लगा कोई कॉन्ट्रैक्टर दो नोट आपको फालतू दिए और हमरी तो गई भैंस पानी में। अरे काहे भैया, तुम्हारी भैंस काहे जाने देंगे पानी में, हमको भी तो दूध मिलता है पीने को। बस यही बात तो हम आपको समझा रहे हैं मंत्री जी। अच्छा एक बात है, ये
गांव वाले तो वहीं रहते हैं ना? उसकी आप चिंता मत कीजिए, एक एक को देख लूंगा, देखता हूँ बीच में कौन बोलता है। हमारा नाम भी रास बिहारी ऐसे नहीं है। अच्छा, ये नदी भी वही है ना जहाँ जिसके ऊपर बांध बनना है? हाँ, वही पास में ही है। तो ये किसान लोगों का जो सिंचाई का काम है, ये भी वही चलता होगा खेती बाड़ी? हाँ, वो तो खैर तब भी चलेगा, मगर तब उनको वो बिल वगैरह देना पड़ेगा। किसानों को बिल देना पड़ेगा? अरे तो ये तो गवर्नमेंट के फायदे की बात है। और एक फायदा और, ये जो बिजली का मुद्दा उठा रखा है, बांध की आड़ में ये लोग सब चुप हो जाएंगे। देखिए, हम तो आपको कहे थे इसमें फायदा हम दोनों का ही है। इलेक्शन में आपको वोट मिल जाएगा और हमको नोट मिल जाएगा, दोनों का फायदा। और क्या चाहते हैं? यही चाहिए, यही चाहिए। बिल्कुल, बस आप मंजूरी का करवाइए कुछ। अभी कराते तुरंत। चलिए मंत्री जी, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। चाय नहीं पियेंगे? नहीं, बस चलते हैं। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार विकास योजना के अंतर्गत सोनपुर गांव का जंगल काटे जाने का निर्णय। ओ हीरा, सब लोग भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं? मास्टर जी, गांव खाली करने का नोटिस लगा दिया है। मास्टर जी, इस जमीन पर खेती से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ के जमीन पर रवि, खरीफ और तिलहन तीनों तरह का फसल उगता है। मास्टर जी, हमारे बाप दादा यहाँ कई पीढ़ियों से रहते और खेती करते आए। ठीक है, ऐसा करो कि सारे किसानों को स्कूल में इकट्ठा करो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ के आसपास के जंगल जो हैं, ये कटने वाले हैं, शायद आपको इस बात की खबर भी हो। उसके बाद नदी को बांध लेने की तैयारी, और फिर आप नदी से पानी नहीं ला पाएंगे, और उसके बाद आप सबको इस बस्ती से भगाने की तैयारी। क्या ऐसा होना चाहिए? हरगिज नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम आसपास के जंगल महफूज रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, लेकिन इस काम के लिए हमें सब इकट्ठा होना होगा, एकजुट होना होगा। क्या आप लोग सब इस काम के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। मेरे साथ बोलिए, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जंगल को महफूज रखेंगे, महफूज रखेंगे, बस्ती को उजड़ने से बचाएंगे, बचाएंगे। आइए आइए, पत्रकार बाबू आइए, राम राम, आइए बैठिए। अब मुझे बताइए कि आज हमारी ये खबर क्यों नहीं छपी? नहीं छपी सर। लेकिन क्यों नहीं छपी? मास्टर जी, आप सामाजिक काम करने वाले लोगों को लगता है कि हम पत्रकार बहुत बड़े तोप हैं। कोई भी खबर उठा के हम छपवा देंगे, या कोई भी खबर हम टीवी पर चलवा देंगे, या फिर आप लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। आप लोग सही सोचते हैं, हम सिर्फ अपने वेतन के लिए काम करते हैं। हमारी हैसियत एक सुपरवाइजर और क्लर्क से ज्यादा नहीं होती है साहब। हम पत्रकार अपनी मीडिया संस्थानों की पॉलिसी फॉलो करने से ज्यादा और कुछ नहीं करते। मैंने पूरी स्टोरी लिखकर अखबार को दी थी, नहीं छपी। अपनी अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद यार, चैतन्य ने हमारा साथ छोड़ दिया है। कल फिर से हमारा मैच है, लगता है हम इस बार भी हारेंगे। वो स्कूल भी नहीं आ रहा है।
यार ये सब उस मास्टर जी का किया धरा है। वो हमें कभी कुछ देख ही नहीं सकते। वो हमारी टीम को कभी जीतता हुआ देख ही नहीं सकते। सही कह रहे हो तुम सब। कोई ना कोई तो कमी निकालते रहते हैं, कभी बिजली तो कभी पानी। ऐसा लगता है कि हम उनके घर से बिजली और पानी लेकर आते हैं। चैतन्य का नाम भी उन्होंने ही स्कूल से कटवाया होगा। सही कह रहे हैं। अरे मास्टर जी आ रहे हैं। आ जाओ, आज हम सब मास्टर जी के क्लास लेते हैं। ओहो, मालूम होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम लोग मेरी क्लास लेने वाले हो? ओह, आज तो सब बड़े गुस्से में हैं। आपसे हमारी खुशी कभी बर्दाश्त होती है? हमेशा हमारे कमियां निकालते रहते हैं, कभी बिजली तो कभी पानी। बिल हमारे पापा मम्मी देते हैं और परेशानी आपको होती है। चेतु से हमारी दोस्ती आपसे देखी नहीं गई। आपकी वजह से अब वो स्कूल भी नहीं आ रहा है। अब वो नहीं आ रहा, अब आप खुश होंगे। ओहो, इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर? तुम लोग ने ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए, ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मैं यूं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मैं तुम लोगों को प्यास लगी है? अच्छा, प्यास लगी है। चलिए, पानी रे पानी, पानी रे पानी, पानी रे पानी, पानी रे पानी। अब प्यास बुझा लो। हाँ, तुम भी पी लो, पी लो। हाँ, कितना ठंडा ठंडा पानी है। तुम पीते कम हो, गिराते ज्यादा हो। पी लो पानी रे पानी, तुम भी पी लो, पीते जाओ पीते जाओ। तुम्हारा नंबर आएगा, चिंता मत करो। पी लो, पेट भर के पी लो, शर्माओ मत। क्लास लेने वाले थे, शर्माओ मत। ये पूरा मजा लो पानी पीने का। तुम भी पी लो, पी लो, पीते और पियो और पियो। इनको दोनों पीछे, हाँ पी लो पी लो पी लो पी लो। नहीं तो खत्म हो गया। और क्यों खत्म हो गया? क्योंकि मास्टर जी ने पानी को बर्बाद किया था। अब सोच लो, मैंने अगर ऐसा ना कर लिया होता तो सबकी प्यास बुझ जाती ना। अब सुनो, ये बताओ कि इन तमाम परेशानियों का कारण क्या है? बर्बादी। बर्बादी? हाँ बर्बादी। अब ये बताओ कि ये पानी, ये बिजली कौन बनाता है? बिजली सरकार बनाती है और पानी जमीन से आता है। बिजली सरकार बनाती है और पानी जमीन से आता है, लेकिन जो बिजली सरकार बनाती है वो सीमित मात्रा में बनाती है, और जो जमीन से पानी निकलता है वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। एक बात बताओ, अब तुम्हारे घर में आए समझ लो 10,000 रुपए, और तुम्हारे घर में व्यक्ति कितने समझ लो 5, तुम्हारे घर में 5 ही व्यक्ति होंगे, यानी कि एक एक व्यक्ति के लिए 2,000 रुपए, बराबर है कि नहीं? अब तुम्हारी मम्मी गई शॉपिंग और 8,000 रुपए खर्च कर लिए, तो कितना बचेगा? 2,000। तो एक एक व्यक्ति को अब 2,000 नहीं मिलेगा ना। हमारे मुल्क का भी यही हाल है। जब तुम यहाँ पानी बर्बाद करते हो, बिजली बर्बाद करते हो, तो तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारे भारत के किसी कोने में एक आदमी पानी की कमी की वजह से, बिजली की कमी की वजह से अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है। और जब तुम अनाज बर्बाद करते हो, खाना बर्बाद करते हो, तो उसी कोने में तुम्हारी इस भूल की वजह से एक छोटा सा बच्चा भूखा रह जाएगा। कुछ आई बात समझ में? कुछ कुछ। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे मम्मी पापा बिल भरते हैं, बिजली के बिल तो वही भरते हैं, लेकिन तुमने ये कभी सोचा है कि वास्तव में ये बिल कौन चुकाता है? कभी सोचा तुम? नहीं सर। जानना चाहते हो असलियत? तो फिर हम एक खास आदमी के पास चलते हैं, एक तुम्हारे खास दोस्त के पास चलते हैं, जो तुम्हारी टीम में फास्ट बॉलर है। मैं किन की बात कर रहा हूँ? चैतन्या। चलना चैतन्या के पास। और वहां जाके तुम्हें पता चलेगा कि चैतन्या किस हालत में है
और वो स्कूल क्यों नहीं आ पा रहा है। चले चलो चलो आ जाओ आ जाओ। जाओ मिल लो चैतन्य से मिल लो। हेलो चैतन्य। हेलो चैतन्य, तू इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा? तूने तो स्कूल भी आना बंद कर दिया। हमें ये गांव छोड़कर अब कहीं और जाना होगा, तो फिर कॉलोनी या फिर स्कूल आकर क्या फायदा? ऐसा क्यों भाई? मैं बताता हूँ हीरा, तू कहाँ मर गया? सबको लस्सी पिलाना, सबको लस्सी पिलाना। आओ बच्चे लोग बैठो मेरे साथ। चैतन्य तुम भी आ जाओ, लगाओ। क्या है मैं अब समझाता हूँ कि यहाँ का जो जंगल है ना, आसपास का जंगल, ये कटने वाला है और फिर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। हाँ लस्सी पिलाओ सबको, डेवलपमेंट होगा। और उसके बाद जो तुम लोग बेकार में बिजलियां फूंकते हो ना, उसकी भरपाई के लिए यहाँ की नदी को बांध कर बिजली बनाई जाए। हाँ और फिर इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं गए ना तो वो बुलडोजर आ जाएंगे, इस गांव को साफ कर देंगे और यहाँ के लोग भगाए। ऐसा क्यों सर? आप तो कहते हैं जंगल और पेड़ बहुत जरूरी है। जरूरी है बेटे, बहुत जरूरी है। बल्कि पेड़ और पानी की वजह से ही हम जिंदा हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर जंगल काटना और फिर कॉन्क्रीट जंगल को खड़ा करना विकास में। मास्टर जी, हमारे तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, अब आप ही का आसरा है। मैं यहाँ की इस जंगल को कटने नहीं दूंगा और ना ही इस गांव को उजाड़ने दूंगा। मैं हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबने लस्सी पी ली? यस सर। और चाय दी? नहीं। तो चलो लंबी दौड़ के लिए तैयार हो जाओ। कमल कमल, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। देखो इनसे मिल लो, ये भी तुम्हारी तरह स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुम्हारी तरह क्रिकेट भी खेलते। खड़े हो जाओ, मिल लो इनसे, मिल लो। नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते। वाह वाह, नमस्ते करो, क्या बात है। लेकिन ये बच्चे आज कुछ कम नजर आ रहे हैं, क्या बात है? हाँ सर, जब से जंगल कटने और लोगों को हटाने की बात हुई है ना, तब से बच्चे कम आ रहे सर। ओहो, इसके बारे में कुछ करना होगा। हाँ सर। चलो बहुत देर हो गई, तुम्हारे बाप माँ बाप परेशान हो गए होंगे। अच्छा नमस्ते, आज्ञा दीजिए, फिर आएंगे हम लोग। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। हम चैतन्य के घर गए थे। उसका घर तो किसी जंगल के बीच में है ना, और काफी दूर भी है, फिर तुम कैसे गए? अरे मास्टर जी, और हम जो कॉलोनी के बच्चे है ना, हम सब एक साथ गए थे। हाँ यार, वो बड़े दिनों से नहीं आ रहा। यार एक बैड न्यूज है, चैतन्य का गांव, जंगल और घर तीनों जड़ने वाला है। हृदय, यू प्लीज कम टू माय ऑफिस। यस सर। प्रणाम मास्टर जी, और सुनाइए कैसे हैं आप? दुआ आपकी। जंगल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बेझिझक होके बताइए। आप कहें तो उस पुराने छप्पर को पक्की ईंटों का करवा दें। आपके दिल में गांव के बच्चों के लिए इतना प्यार है, ये सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। आप अगर वाकई उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं उनकी सुरक्षा के लिए और जंगल की सुरक्षा के लिए एक PIL फाइल कर रहा हूं। उसका खर्चा उठा ले, या फिर आपकी जान पहचान में बहुत सारे वकील होंगे, एक वकील करा दो। देखिए मास्टर जी, आप हमारे बाबूजी की उम्र के हैं, इसलिए इज्जत कर रहे हैं आपकी, वरना इतना चू चपड़ सुनना तो हम कब का छोड़ दिए। और एक बात कहें, प्रोफेसर ही से रिटायर हुए हैं, ये उम्र घर पे बैठ के भजन कीर्तन करने की है। कहाँ मास्टर जी, कोर्ट कचहरिया को चक्कर काटेंगे आप। घर में बिटिया जवान हो रही है,
भले ही गोद ली हुई है, उसकी कोई चिंता विंता है नहीं आपको। अच्छा मास्टर जी, प्रणाम, चलते हैं। जीते रहिए। पापा, ये आदमी क्या कह रहा था? आओ बेटा, आओ, आओ मेरे पास बैठो, आओ ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम मेरी बेटी हो या नहीं, बस अब दुनिया को रोकोगी तो मेरी मदद करोगी? मैं एक PIL दर्ज करने जा रहा हूं और मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है और तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, इसमें मेरी मदद करोगी कि नहीं? करूंगी। मुस्कुरा के करोगी? करूंगी। इधर आओ। हाँ मैं क्या कहा, PIL। चलो 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 अंदर चलो जल्दी से। विकास, किसे हम कहते हैं अब तुम ही बताओ के विकास किसे हम कहते हैं? विकास हम किसी अच्छे काम को कहते हैं। काश काश। अच्छा तुमने अदालत के बारे में तो सुना होगा। हाँ। जहाँ मुकदमे चलते हैं, किसी ने चोरी की, किसी ने किसी का खून किया, उसमें एक लॉयर होता है, मिलॉर्ड, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन अदालत में एक दूसरी चीज भी चलती है जिसका नाम है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। अब मिसाल के तौर पर, अच्छा तुम ही बताओ कि हमारे उस गांव में क्या क्या हो रहा है जो कि गलत है। वहाँ जंगल काटा जा रहा है और गांव को भी हटाया जा रहा है और साथ ही साथ वहाँ नदियों पे भी बांध लगाया गया है। वाह, ये तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी ही बेटी हो। तो इन तमाम गलत कामों के खिलाफ हम एक PIL दर्ज करने जा रहे हैं जिससे शायद हमें कुछ फायदा हो, शायद उसकी वजह से ये सारे काम बंद हो जाए। लेकिन PIL लिखने में मेरी हेल्प चाहिए। वाह, वो जो मास्टर है ना, वो रास्ते का रोड़ा बन रहा है, वो PIL डालने की तैयारी में है। विकास, किसे हम कहते हैं? विकास, आप ही बताइए कि विकास किसे हम कहते हैं? अरे हम तो कर ही लेंगे मंत्री जी, आप टेंशन मत लीजिए। आज आप सब पेरेंट्स को मुझे इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि ये मिस्टर प्रोफेसर आपके बच्चों को ऐसी गंदी और खतरनाक जगह पर ले गए जहां आप अपने बच्चों को भेजना कभी पसंद नहीं करेंगे, और मैं तो चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को इन मास्टर जी से दूरी रखिए तो अच्छा है। प्रिंसिपल साहब, आपके इस महान स्कूल में पर्यावरण का पाठ तो सिखाया जाता है, एनवायरनमेंट के नाम पर पोएट्री कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं, नाटक करवाए जाते, गाने लिखवाए जाते, प्रोसेशंस निकाले जाते, नारे लगाए जाते, सेव द एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका प्रैक्टिकल ज्ञान बच्चों को नहीं दिया जाता। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके इन अमीर बच्चों को उन खतरनाक जगहों से दूर रखना चाहिए ताकि वो ये ना देखे कि जो रोज वो खाना खाते हैं, रोज जो खाना वेस्ट करते हैं, उसका अनाज कितनी मुश्किल से उगाया जाता है। वो ये ना समझे कि हर रोज जो वो बिजली का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उसकी असली कीमत किसको चुकाना पड़ता है। आप चाहते हैं कि बच्चे विकास को उस चश्मे से देखें जिस चश्मे से आप दिखाना चाहते हैं? नहीं प्रिंसिपल साहब, ये असली ज्ञान का
अर्थ नहीं है, असली शिक्षा का अर्थ नहीं है। मैं जानता हूं कि आप इस स्कूल में अपने बच्चों को असली ज्ञान और असली शिक्षा जरूर देना चाहते हैं। But master ji, you don't know about this country and society. If you think I do not know about this country and this society, then very good. आप अपने नादान बच्चों को मुझसे दूर रखा कीजिए। प्रिंसिपल साहब, आगे दीजिए। ना भावना, रो मत, चलो। बैठो। तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चुप हो जा। दीदी रो मत, हम सब आपके साथ हैं। हाँ भावना, और देखो तुम्हारे साथ पूरी पलटन है। बैठ जाओ बच्चों। पापा का सपना था जंगल को बचाना और साथ ही सारे गांव वालों को बर्बाद होने से रोकना। हमें चैतन्य की मदद करनी चाहिए। हम सब चैतन्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगले हफ्ते जंगल कटना शुरू हो जाएगा, फिर वहां से चैतन्य और उसके गांव वालों को भी हटना पड़ेगा। फिर चैतन्य हमेशा के लिए हमसे दूर चला जाएगा। और चैतन्य को बचाने के लिए क्या हम कुछ नहीं कर सकते? एक आइडिया है मेरे पास। क्या? क्या? याद है सर ने एक बार चिपको आंदोलन की कहानी सुनाई थी? चिपको? चिपक के क्या करेंगे? पेड़ से चिपकना है। आइडिया तो अच्छा है, पर सोचना ये है कि ये खबर कैसे बनेगी, क्योंकि जब तक खबर नहीं बनेगी तब तक बात नहीं बनेगी। पत्रकार अंकल से बात की जाए? हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, तुम सब लोग मिलकर आओ, तब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। आखिर तुम कब तक यूं ही भूखी रहोगी? ठीक है फिर चलो चलते हैं। अरे भावना, बच्चों की पूरी पलटन के साथ। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। इसे उस पे रख दो। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ एक जना। अंश तुम भी बैठ जाओ। खुशी की बात है कि आज पूरी पलटन आई हुई है। बताओ कैसे आना हुआ? सर आपको तो पता ही होगा कि जो हमारे शहर के पास एक सोनपुर गांव है, वहां का जंगल काटा जा रहा है। पापा चाहते थे कि वहां का जंगल कटने से बच जाए और साथ ही वहां के सारे गांव के लोग भी बच जाए। सर बस मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ।
ये चैतन्य उसी गांव का है और हम सब मिलकर इसके गांव को और जंगल को बचाना चाहते हैं। सर आप चिपको आंदोलन के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ? सर हम बच्चों का भी कुछ ऐसा ही प्लान है। हम सब उस जंगल के पेड़ों से चिपक जाएंगे और उस जंगल को नहीं कटने देंगे सर। जो भी आएगा हम उसका विरोध करेंगे। आर यू श्योर? तुम लोग यही करने वाले हो? बिल्कुल सर। एंड हो सकता है कि हमारे क्लासमेट्स हमारा साथ देंगे। सर हम चाहते हैं कि आप इसे खबर बना दें। भावना, मुझे अफसोस है कि मास्टर जी के रहते मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन जो कुछ भी हो सकेगा मैं तुम लोगों के लिए जरूर करूंगा। पापा ने मुझे पीआईएल के बारे में बताया था। अगर वो पीआईएल दर्ज कर देते तो शायद गांव उजड़ने से और साथ ही जंगल कटने से बच जाता। क्या हम पीआईएल के बारे में कुछ कर सकते हैं? लेकिन हमें उसके लिए एक वकील भी तो चाहिए होगा। पीआईएल के मामले में वकील हो तो अच्छा है। वैसे किसी मास पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में कोई इंडिविजुअल पर्सन भी जिसका उस मैटर में अपना पर्सनल इंटरेस्ट न हो, चीफ जस्टिस को लेटर लिख के भी गुहार लगा सकता है। वैसे पीआईएल के लिए मैं किसी वकील से बात करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। बाय सर। मैंने जो लिखा है मैं सुनाती हूँ। पेड़ बचाए जीवन बचाए, कल सब सोनपुर के जंगल पहुँचे। पेड़ पौधों से हम जीवन पाते हैं। पेड़ हमें ताजी हवा, खाना, दवाइयाँ, कागज और अन्य कहीं उपयोग की वस्तुएं देते हैं। फिर क्यों इन्हें हम कटने दें और अपना भविष्य बर्बाद होने दें? पेड़ों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जंगल काट रहे हैं, इसलिए हम उन्हें बचाने चले। या वेरी नाइस, ये हम स्कूल के बच्चों को दे सकते हैं। इट मे दे विल हेल्प अस। दीदी हम चैतन्य के घर और उसके जंगल को बचा पाएंगे ना? मास्टर जी की पलटन है, कुछ भी कर सकते हैं।
Plants give us air, plants give us life. We will die, but we won't let plants get cut. Save a plant, save a life. ये भी हो सकता है पेड़ हमारे जीवन दाता इनकी रक्षा करेंगे हम मर जाएंगे मिट जाएंगे पेड़ न कटने देंगे हम Yeah.
करना क्या चाहते हो तुम लोग? नहीं कटने देंगे हम इन पेड़ों को। क्यों? या तो आप ना समझ हो या आप लोभी हो। वर्षा का जल कहाँ जाएगा? उन्हें अपनी जड़ों में सोखकर हमें सूखे और बाढ़ से कौन बचाएगा? पेड़ नहीं बचेंगे तो हम तुम भी नहीं बचेंगे। खुद तो मरोगे ही, पूरी मानवता को भी मारोगे। धरती को बंजर बना के क्या हम सिक्के खाएंगे? प्रकृति की पहचान मिटा कर क्या हम जीवित रह पाएंगे? कहाँ हीरा भैया, तोरे खेत में खाद छिड़क गया का? अभी कहाँ भैया? अरे हीरा भैया, अरे बच्चा लोग का पलटन पूरा जंगल घेर लिया है। क्या कह रहे हो? हाँ, अरे मास्टर जी का कॉलोनी का सारा बच्चा लोग, और हम देखे आपका चैतवा भी है। अरे क्या कह रहे हो? हाँ, अरे जानते हैं कॉन्ट्रैक्टर का हवा टाइट कर दिया है इन लोग। अरे चलिए हम लोग भी देखते हैं। चलिए चलिए भैया। अरे बच्चा लोग को पढ़ाने लिखाने का यही फायदा है। दुनिया पलटा है सब बच्चा लोग। अरे जो काम हम लोगों से नहीं हुआ देखिए बच्चा लोग काम कर रहे। अरे बच्चन के तो कुछ नहीं होगा ना बाबू? अरे कुछ नहीं होगा महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाचती है तो न्यूज़ भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। एक मुहिम बच्चों के द्वारा चलाई गई है और उन लोगों का कहना है कि हम इस जंगल को नहीं कटने देंगे। आखिर क्या है ये पूरा मामला? सीधे चलते हैं अपने संवाददाता के पास। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज बच्चों ने एक बहुत बड़ा मुहिम पर्यावरण को लेकर छेड़ दिया है। आज इस घने जंगल में एक एक बच्चे ने एक एक पेड़ को बहुत जोर से पकड़ रखा है और हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के महत्व को बड़े नहीं समझा सके लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा महत्व पर्यावरण को लेकर बच्चों को समझाया है। अच्छा। और देशवासियों को समझाया है तो ये कहना बिल्कुल गलत। जी सर। जी बच्चे सर छोटे छोटे समझ रहा हूँ सर। हाँ न्यूज में भी आ रहा है। मैं करता हूँ सर जल्दी कुछ करता हूँ। जैन सर वो राज बिहारी को लगाओ। नेताजी प्रणाम कर रहे हैं। राज बिहारी जल्दी से वहां से सब हटाओ। अरे नेताजी हम तो यहाँ पूरे तैयारी के साथ आए थे। अरे भाई ऊपर से आदेश है। हाँ गड़बड़ हो जाएगा फटाफट हटा लो सब कुछ वहां से। चलिए प्रणाम कर रहे जा रहे हैं। देखिए विकास के लिए ये कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी था इसलिए हमने खुद मंजूरी दी है लेकिन ग्रीनरी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ग्रीनरी पूरी मेंटेन रहेगी। और रही बच्चों की बात, बच्चे तो नासमझ हैं या किसी का भड़काने पे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम बात करेंगे बच्चों से। और ये बात भी सामने आ रही है कि जंगल के बीच बसे गांव को विस्थापित किया जा रहा है। जी लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ हम उनकी ठीक ठाक व्यवस्था करा देंगे। और ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव में लोगों के बीच जन सुनवाई नहीं की गई है। अच्छा हमें यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे और गांव में मैं जन सुनवाई की घोषणा करता हूं और ये सभी बच्चे जिन्हें भी आपत्ति है हमारे विकास कार्य से उन सबको इस जन सुनवाई में आमंत्रित करता हूं। वो सब आए अपना पक्ष रखें और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वहां पे आए और हमारे सवालों का जवाब दें।
ओफो, पता नहीं अभी ये बच्चे मंत्री जी की बातों का कैसे जवाब देंगे, कैसे फेस करेंगे पता चलेगा। मैंने सुना है मिस्टर साहब बच्चा लोगों से बात करेंगे, न जाने कहाँ बात करेंगे। ये बच्चा लोग भी पूरा जंगल घेर लिया। चिंता का तो बात है, लेकिन सारे ही बालकन ने बहुत ही हिम्मत का काम किया है। हाँ ये बात तो है। वाह, लग गए ठेके पे। पता भी है लड़का सारा दिन कहाँ क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, लगा हुआ है नेतागिरी के चक्कर में। कल को कुछ हो जाए तो मुझे मत बोलना। यार तुम छोटी छोटी बातें परेशान होते रहती हो, अपना नाम ही करेगा लड़का, क्या हो गया? चलो तुम पानी पियो, कल को कोई बड़ी बात हो जाए तो मुझे मत कहना कि पूरा दिन ध्यान नहीं रखती और क्या करती हो। मंत्री अब बच्चों से मीडिया के सामने बात करेगा? मंत्री हमारे बच्चों को परेशान करेगा बस। ये आज की न्यूज़ देखी तुमने? क्या है? पर्यावरण के बारे में मंत्री जी कह रहे हैं बच्चों से बात करेंगे। अच्छा, इस पे भी आ रहा है, टीवी में भी आ रहा है। बच्चे बिना मन की बात करें, मंत्री जी क्या बात करें, बच्चों को क्या समझ है इसके बारे? बच्चों का ऐसी है, बच्चों की तो मन की बात है, अपनी जंगल में चले गए। देखो यार, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं वो हमें अपनी बातों में उलझाकर हमें चुप ना करवा दे। Then what can we do? मुझे लगता है कि वो मिनिस्टर हमसे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के इश्यूज पे बात करेंगे, और अगर हमने उनका जवाब नहीं दिया तो वो अपनी मनमानी भी कर सकते हैं, और साथ ही जंगल भी काट सकते हैं, और साथ ही चितन्ने का गांव भी उजाड़ सकते हैं। तो
सुनवाई के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच हमारे माननीय मंत्री जी कुछ ही देर में आने वाले हैं और वो बच्चे जो हमारे गांव को उजड़ने से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं उनको मंत्री जी ने आमंत्रित किया है। आज जन सुनवाई से पहले मंत्री जी उन बच्चों से बातचीत करेंगे। हमारे बीच वो बच्चे भी आ गए हैं जिन्होंने हमारे गांव और गांव के जंगल को बचाने के लिए आंदोलन किया है। हम इन बच्चों का आभार व्यक्त करते हैं। आपकी वजह से हमें ये उम्मीद जगी है कि हमारा गांव और गांव के पास का ये जंगल नहीं उजड़ पाएगा, कोई नहीं उजाड़ सकता जब तक आपका हौसला हमारे साथ है। तालियां बजाते रहिए इन बच्चों के स्वागत में, जोरदार ताली बजाइए। हम बहुत खुश हैं कि ये बच्चे, होनहार बच्चे हमारे बीच हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ये कितनी खुशी की बात है कि मास्टर जी के कॉलोनी के बच्चे हमारे बीच आ चुके हैं। बस अब हमें इंतजार है, कुछ ही क्षण में, थोड़ी ही देर में माननीय मंत्री जी हमारे बीच आने वाले हैं और बस जैसे ही माननीय मंत्री जी हमारे बीच आएंगे जन सुनवाई का कार्यक्रम, बच्चों से बातचीत सब शुरू। ओहो, ये देखिए, मैं देख पा रहा हूँ माननीय मंत्री जी हमारे बीच आ गए हैं। मैं इस अपने गांव की तरफ से, गांव के एक एक निवासी की तरफ से मंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मंत्री जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए सर, मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, तो अब मैं मंच से हट जाता हूँ और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि बच्चों से बातचीत शुरू कीजिए। आज एक बहुत रोचक बहस देखने को मिलेगी। एक तरफ है प्रदेश के मंत्री और दूसरी तरफ है छोटे छोटे बच्चे। मंत्री जी का मानना है कि विकास के लिए सोनपुर के जंगलों का काटा जाना आवश्यक है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे जंगलों को बचाने के लिए अड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं दोनों के अपने अपने तर्क। मेरे बाल गोपालो, देखिए ये जो हम काम कर रहे हैं आप ही के लिए तो है, आपके भविष्य के लिए। भाई अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल को कॉलेज में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए क्या? हैं? सर पे छत तो चाहिए ना, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं चाहिए क्या? कैसे होगा विकास बताइए। सर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट? व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ? फ्रेश एयर, फ्रेश फूड एंड फ्रेश वाटर। और जंगलों को काटने से ये तीनों और मुश्किल होता जा रहा है। जीवन जीने की बेसिक जरूरतें खत्म करके ये डेवलपमेंट किसके लिए करना चाहते हैं? बेटा कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं आप? हमको भी ऐसे बढ़िया स्कूल में जाने को मिला होता तो आज हम भी अंग्रेजी लेकिन शायद हम मिनिस्टर नहीं होता भाई। हाँ, तो आपकी बात का जवाब यह है कि देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। विकास कार्य करना है तो छोटी मोटी आहुतियां देनी पड़ती है। सर, आप सांस लेते हैं? सांस? हाँ, वो बाबा लोगों की तरह नहीं लेकिन जैसे साधारण इंसान लेता है वैसे तो सांस लेते हैं बेटा, सबको लेनी पड़ती है। आप सांस में ऑक्सीजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन बेटा इतना हमको पता है सर, इतना तो हमें भी पता है कि जीने के लिए सर पर छत चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना। जंगलों और पेड़ों के कटने से हम कुछ नहीं बहुत कुछ खो रहे हैं, और दिल्ली जैसे महानगरों में जो पोल्यूशन से नुकसान हो रहा है ना, वो आपके सामने ही है। सो बेसिकली द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन मॉनसून, and the presentation of monsoon depends on trees and jungles. Monsoon brings gallons of water every year. Lekin badlon ko rok kar pani zameen tak lane ka kaam to ped aur paude hi karte hain. Sir, ped aur jungle katne ke karan hi badal kahin kahin jagah pani nahi de pate, aur pani nahi de pate to sukha pad jata hai.
और उसी के कारण किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। कई कई जगह तो बादल फटने के कारण तबाही मच जाती है। सर, इन पेड़ पौधों से ही तो हम हैं, ये हमसे कुछ नहीं लेते मगर फिर भी हमें सब कुछ दे रहे हैं। आदमी से ज्यादा तो हम इनके भरोसे हैं। ये जंगल कितने उदार होते हैं ना, हमसे बिना कुछ मांगे हमें जीवन दे रहे हैं। सर, there is a quotation said by our national father Mahatma Gandhi that earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed. सर, या तो हमें डेवलपमेंट का कंसेप्ट ही चेंज करना होगा या हमें डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस लाने की जरूरत है। एक मिनट मंत्री जी, बच्चों एक मिनट। भाइयों और बहनों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन बच्चों के पत्र पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया है कि अब हमारे गांव के विस्थापन और जंगल की कटाई पर रोक लगा दी जाए। अब तो ना यह हमारा गाँव उजड़ेगा और ना जंगल की कटाई हो जाएगा। बच्चे किसके हैं? Marvelous, superb job, great kids, we love you all.